दोस्तों एमसीबी ट्रिप कैसे होती है ओवरलोड कंडीशन में और शॉर्ट सर्किट कंडीशन में। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ओपन कर दिया है मैंने एमसीबी को और एमसीबी कुछ इस टाइप के अंदर से मैकेनिज्म देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर मैं शॉर्ट सर्किट और यहाँ पे ओवरलोड टेस्टिंग करता हूँ तो यहाँ पर ये देख सकते हैं बल्ब अभी ऑन हो चुका है जैसे ही ऑन करते हैं। अब यहाँ पर शॉर्ट सर्किट सबसे पहले मैं करता हूँ तो ये देखिए शॉर्ट सर्किट करने के बाद कुछ इस टाइप से ये इसका मैकेनिज्म काम करता है। लेकिन कैसे काम कर रहा है ये देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने मैकेनिज्म को बाहर निकाला तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कॉइल लगाई गई है और कॉइल से यहाँ से ट्रिगर हो रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है और जैसे ये पिन ऊपर आ रही है तो ट्रिगर दब रहा है और ट्रिगर दबने के बाद ये ऑफ हो रही है। तो ये है ऑफ कंडीशन। ऑफ कंडीशन में ये देख सकते हैं करंट आगे पास नहीं हो रहा, अब जैसे ही ऑन करते हैं इस तरह से पास हो जाता है। अब ओवरलोड टेस्टिंग की बात करते हैं तो ये देख सकते हैं ये एक ब्लेड लगाई गई है रेजिस्टेंट ब्लेड और इसको जैसे ही करंट देते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं मुड़ जाती है, मुड़ते ही ट्रिगर दब जाता है। तो ये है शॉर्ट सर्किट और ये है ओवरलोड ब्लेड, ठीक है। इस तरह से एमसीबी काम करती है।